आगरा कैंट स्थित सेंट एंथोनी स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूली छात्राओं ने शानदार अंदाज में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने बच्चों का प्रदर्शन देख अभिभावक बेहद गदगद थे। आगरा कैंट माल रोड स्थित सेंट एंथोनी स्कूल का वार्षिक उत्सव पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। सेंट एंथोनी स्कूल की छात्राओं ने शानदार अंदाज में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिस अंदाज में सेंट एंथोनी स्कूल की छात्राएं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी, उसे देखकर अभिभावक बेहद उत्साहित थे। छात्राओं ने अभिभावकों का दिल जीत लिया। छात्राओं के प्रदर्शन को देखकर अभिभावक, शिक्षिकाएं और अतिथि जमकर तालियां बजा रहे थे और बच्चों की जमकर तारीफ कर रहे थे। शिक्षिकाएं कहती हैं कि शानदार अंदाज में बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। I am a student of St. Anthony's Junior College. I also belong to the cabinet. I am the social service leader of this school. And the name of our play was Sound of Music. A very nice play of a governess who through her values showed what a family really means, what unity really means, and how we need to be together as a family always. I think our teachers and our principal have worked, put a lot of efforts into this play, and receiving all the compliments from the parents is a big achievement. I think we have achieved it. कि परिवार समाज की इकाई है। समाज तभी बनेगा अच्छा जब परिवार अच्छा होगा। तो परिवार में आपस में प्रेम अगर नहीं होगा तो हम बताइए समाज को अच्छा कैसे कर पाएंगे। समाज को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, विश्व को बनाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का भाव तभी आएगा जब आपस के प्रेम को हम जागृत करेंगे, संवेदनाओं को जागृत करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, स्नेह पूर्वक चलेंगे। समस्याएँ सभी के साथ होती हैं पर उनका सामना करने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है सद्भाव, प्रेम और दया, क्षमा। कुछ भाव ऐसे हैं जो समाज में अनिवार्य रूप से होने चाहिए और वही संदेश देने के लिए हमारे विद्यालय की छात्राओं ने अपना नाटक प्रस्तुत किया है। सेंट एंथोनी स्कूल का वार्षिक उत्सव 2 दिवसीय था। प्रत्येक छात्रा ने वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया था। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।